हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि कल मैंने आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस डाले थे जीके के फॉर क्लास 8 एंड क्लास 10, सॉरी क्लास 8 एंड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए जीके सेम रहेगा मेरे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कम्युनिटी टैब में डाल रखा है, तो प्लीज़ उस जो लिंक है उसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ कुछ बच्चे हैं और उन्होंने मेरे से डाउट्स वगैरह भी पूछ रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाएं। और इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले अगर आप एक और वीडियो देख रहे हैं क्लास 8th वाले बच्चे साइंस के लिए वीडियो नंबर फर्स्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी मैंने डाल दिया। उसमें 18 क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी कर लीजिए। और मैं ये दावा करती हूँ 100% गारंटी के साथ कि मेरे चैनल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं इस पेपर में। पीएमएसएसपी 2023, जो कि 29 सितंबर 2023 को होने वाला है, 29 सितंबर, जिसमें ओनली समथिंग लगभग 1 महीना या फिर 2-3 दिन बाकी है। एक महीना, 2-3 दिन, 4-5 दिन, जैसा भी आप स्टडी स्टार्ट करेंगे अपनी, तो एक भी क्वेश्चन अपन बाहर नहीं जाने देंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 95 क्वेश्चन मेरे इसी नोट्स में से आपको मिल जाएंगे। ये मैं ओपनली बोल रही हूँ, अगर ना आए तो चैनल पे आप बोल सकते हैं बाद में कि आपने जो कहा था वो नहीं हुआ। ओके, और जैसा मैंने आपको बताया कम्युनिटी टैब में बच्चों को पता ही होगा, अगर नए बच्चे हैं तो मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे 150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर आपकी वजह से। तो आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपका सिलेक्शन सभी बच्चों का, मेरे चैनल पर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन मैं अच्छी रैंक से करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ कि 150 सब्सक्राइबर बच्चों मेरे कंप्लीट हो चुके हैं विद इन 7 to 8 days में ही। आप लोगों का प्यार इतना अच्छा है मेरे लिए, जबकि 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे फिर अपन, मतलब आप और मैं एक जूम मीटिंग से कनेक्ट होंगे, जहाँ मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूँगी, उनके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, वो आप मुझसे थोरली पूछ सकते हैं, लाइव पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो के, आपने कैसे एग्जाम्स को क्रैक किया है, कोई शॉर्टकट होता है या नहीं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो अपन लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर 250 सब्सक्राइबर। 250 सब्सक्राइबर के बाद जो बच्चे टेलीग्राम पर ज्वाइन है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो भी बच्चे हैं उनके साथ मैं जूम मीटिंग ज्वाइन करूंगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, विद इन 5 days भी हो सकते हैं, 250, विद इन 10 days भी हो सकते हैं, आप लोगों का प्यार है, विद इन 2 days भी कर सकते हैं आप लोग। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 250 सब्सक्राइबर को हिट कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर हैं वही बच्चे जूम मीटिंग में अलाउ किए जाएंगे। और 250 सब्सक्राइबर्स के बाद मैथ्स और SST, मतलब सोशल साइंस के स्पेशल टीचर आ रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। इसी चैनल पर, सेम चैनल मैं आप लोगों को साइंस एंड जीके के लिए पढ़ा रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं मैं सब कुछ कवर कर सकती, क्योंकि मेरी खुद के भी बहुत सारे वर्क हैं और इस वाले सेटअप में, इस वर्क में भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है साइंस एंड जीके के लिए। तो SST एंड मैथ्स सर पढ़ाएंगे आपको आफ्टर 250 सब्सक्राइबर्स जूम मीटिंग में। इसके पीछे अपन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि SST और मैथ्स आपको कैसे करना है। और आपको पता ही हुआ कि सोशल साइंस ज़्यादातर चैनल्स पर देखा मैंने, सोशल साइंस नहीं करा रहे हैं आपको, क्योंकि तो सोशल साइंस के क्वेश्चन हर किसी की बस की बात नहीं होती। और मैथ्स भी सॉल्व अच्छे क्वेश्चन के, मैथ्स के क्वेश्चन हर कोई नहीं करा पाता, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं बच्चों, क्योंकि NTA पेपर ले रहा है, तो थोड़ा टफ लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए यहाँ से, जिससे आप एग्जाम को बिल्कुल फोड़ सको। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करें। प्लीज वीडियो अगर लंबा हो जाए, अगर वीडियो लंबा हो जाए तो प्लीज एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से 5 क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का एवरेज है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपके हाथ में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और रुक भी सकता है। तो चलें पढ़ें फर्स्ट क्वेश्चन। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें, तो घर्षण बल केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो नहीं केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं
दोनों वस्तुओं में से एक द्रव्य हो नहीं, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में से एक गैसीय हो नहीं, इस पर निर्भर नहीं करता कि वो वस्तु कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह पर सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी, तो पत्थर की। सब लोगों को पता ही होगा, जब आप किचन वाला चाकू, जब मम्मा या फिर आपकी जो सिस्टर्स हैं, जो भी आपकी फैमिली में किचन में ज्यादातर वर्क करते हैं, चाकू घिसा होता है तो पत्थर पर घिसा जाता है। ओके, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पिक घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसी एग्जाम का, PMSSC का। अगर आपने प्रीवियस ईयर साइंस का नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस ईयर देख लीजिए। क्लास 8th वाले बच्चों से अपील है मेरी कि आप एक बार प्रीवियस ईयर वीडियो को देख के आइए, जिससे आपको पता लग सके कि कैसे कैसे क्वेश्चन कितने टफ हैं, कितने नॉर्मल हैं, इजी टू हार्ड है या नहीं। लोडनिक सर्पिक सर्पी स्थैतिक नहीं, लोडनिक स्थैतिक सर्पी नहीं, स्थैतिक सर्पी लोटनिक बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। सर्पी स्थैतिक लोटनिक बिल्कुल भी नहीं है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, इसी PDF में से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के लिए। और जब 29 सितंबर 2023 को आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके 5 दिन बाद मैं अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें पूरा पेपर मेरे क्वेश्चनों से ही आएगा, और मैं विद प्रूफ दिखाऊंगी भी कि मैं इस क्वेश्चन को कराया था, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए पेपर में इस नंबर पे आया है। तो बने रहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ग्रसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्रसन से ऊष्मा उत्पन्न होती है नहीं होती। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने पर ग्रसन में वृद्धि हो। ऐसा देखते हैं क्या होता है। तरलों द्वारा लगाए गए ग्रसन को ड्रैग कहते हैं, स्लाइडिंग ग्रसन से कम होता है। बच्चों ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है इसमें। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, रगड़ते हैं बिल्कुल कबड्डी के खिलाड़ी। थर्ड ऑप्शन भी सही है, फोर्थ ऑप्शन भी चाहिए, मतलब थर्ड भी सही है, फोर्थ ये वाला पूरा सही है। ये वाला तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, केवल 1 2 3 4 ऊपरी कथनों में कौन सा सही है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौने की कार सबसे अधिक दूरी चलेगी, कब चलेगी, मतलब सबसे दूरी कैसे चलेगी। मिट्टी की कच्ची सतह पर नहीं रुक जाएगी, पॉलिश की संगमरमर की सतह पर इस पर हो सकती है, सीमेंट की पक्की सतह पर खुरदरी होती है, ईंटों की सतह पर बिल्कुल भी नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और कमेंट में बता देना जो भी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ अपने डाउट ले जाए। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट, या फिर क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट, ऐसे बोल सकते हैं मेरे से। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे कि कुछ भी बता, मतलब ऐसे लिख दिया आपने कोई वर्ड, इसका मीन्स क्या है, मतलब समझ में नहीं आएगा कि कौन से क्वेश्चन से उठाया गया है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए मैंने आप लोगों के लिए सुबह से लगती हुई, तब जाके आप लोगों के लिए ये PDF, इतनी प्यारी PDF बन पाती है, जिसमें एकदम क्वालिटी क्वेश्चन हों, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाए, कुछ भी चेंजेस भी ना हो क्वेश्चन में, एनटीए के में एनालिसिस करनी पड़ती है बच्चों, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं इसके लिए अच्छे अच्छे लेवल की। तो प्लीज़ अपना प्यार बरसा दो थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में, हार्ट वर्ट बना दिया करो अच्छे से, या फिर थम्स अप भी बना सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन आए और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के लिए, और ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। सॉरी बच्चों, यदि हम दरवाजों के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण क्या होता है, तो ये आंसर तो सब लोगों को पता होगा, कम हो जाता है घर्षण, कम हो जाता है, जल्दी जल्दी बंद हो जाते हैं, जल्दी जल्दी खुल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, अब बच्चों इसमें गलत गलत छांटो जल्दी जल्दी। मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, सही है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसाइकिल पर घर्षण बल, सही है। पानी से भरी बाल्टी की पैंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है, इट इज नॉट द राइट ऑप्शन, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत बोल रहा है, ये क्या है, गलत है, अपन को गलत ही बताना है कौन सा कथन गलत है। तो प्लीज ये जो लिखा रहता है गलत है, तो उसको ध्यान से पढ़ो।
कोई लड़का, क्या लिखा हुआ है, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की सतह पर लुढ़काता है, रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है, रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह देखते हैं क्या है ऑप्शन, इसके लिए वह लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, नहीं, कालीन बिछाएगा तो रुक जाएगी, गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, नहीं, लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है, नहीं, लकड़ी की सतह पर टेलकम पाउडर छिड़क सकता है। जब आपने कैरम खेला हो, और कैरम उसका जो पासा होता है, जो भी बोलते हैं आप उसको, डाइस होता है, और उसको ऐसे जोर से मारते हैं तो वो इतनी फास्ट स्पीड से नहीं भागता है जोर से। अगर अपन उसे पाउडर लगा देते हैं, पाउडर से अच्छे से एकदम बिल्कुल हर हर तरफ पाउडर पाउडर कर देते हैं, तो चिकना हो जाता है। अगर अपन ऐसे करते हैं तो बहुत स्पीड से जाती है अपनी, वो अपना पासा होता है, डाइस होता है, जो भी बोलते हैं आप उसको, कैरम होता है, उसको जोर से ऐसे घूम के आती है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी नहीं करा रहा है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपना सिलेक्शन लें। मैं तो ये कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल से सिलेक्ट हों। किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए चार रास्ते हैं। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, तीसरे रास्ते में ईंट लगी हुई है, चौथे रास्ते पर बजरी बिछी है, तेज वर्षा हो रही है। कोई व्यक्ति मुख्य सड़क पर पहुंचना चाहता है, जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है वह रास्ता बताना है। ठीक है, बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबसे कम फिसलने की संभावना वाली पे बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। ढीली मिट्टी पर, ढीली मिट्टी होगी तो पैर फिसल जाएगा आली से ही, एक बार देख लेना तुम उसमें, बारिश के मौसम में देख लेना, मिट्टी पे ऐसे, मिट्टी गीली गीली हो गई, मिट्टी पर से पैर रपट जाएगा जोर से, पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है, पागल हो गए क्या, नहीं, टाइल्स पर अगर आप पानी फैला दोगे जोर से, मतलब थोड़ा बहुत टाइल्स पर पानी फैला दिए, संगमरमर का होता है, पैर एकदम टूट जाएगा आपका, करना नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। ईंटें बिछी हैं, ईंटों पर से भी नहीं हो पाएगा, ईंट वाला ऑप्शन भी इसमें गलत है मेरे प्यारे बच्चों, ईंटों पर से भी आपका पैर फिसल सकता है, ईंट भी सरक जाती है, पर बजरी, बजरी कभी नहीं होती, बजरी कभी भी नहीं होती, छोटी छोटी होती है बिल्कुल गीट की टाइप की, आप लोगों ने देखी हो, आप किसी का घर बना हो तो। यह प्रति इकाई क्षेत्र पर किसी सतह पर लगाए गए बल की अभिव्यक्ति है, तो क्या है, दबाव, क्या है, दबाव है, क्या है बच्चों मेरे, दबाव है। तो ए का 4 कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया अपन को, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलाना है, अगेन करो। चलो, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्पीकर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मेरा एक माइक चल रहा है, पर ये साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, स्पीकर है ये अपना स्पीकर। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में इंजन, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में ट्रांसमीटर, क्या है, ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलो वीडियो को पूरा देख लेना, 5 नंबर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो से प्रॉपर। किसी पिंड के भार के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथन पहचानिए। पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, नहीं, कभी कभी किसी जगह कम भी होता है, किसी जगह ज्यादा भी होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही बात है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, नहीं, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हाईलाइट कर देती हूँ मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर सही है, जिससे दिक्कत ही ना आए बच्चों को पढ़ने में। चलो 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। असेसन रीजन ने डायरेक्ट असेसन पे चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन है, बर्फ पे अपन फिसलने लगते हैं राइट, अगर किसी ने जो अपनी झांकियां होती हैं, झांकियों में अमरनाथ जी की गुफा देखी हो, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत खेला है इसमें, बहुत खेला है मैंने, मेरे पापा जी और मेरे भैया जो भी, मतलब मेरी फैमिली में से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा कि रिमझिम को बर्फ की जो पहाड़ी होती है, अमरनाथ जी की गुफा लगती थी हमारी सोसाइटी में, तो मेरे जो वहां ले जाते थे मेरे भैया या फिर मेरे पापा जी, जब भी उन्हें कभी भी टाइम मिलता था तब
उसमें ले जाते थे थोड़ी देर के लिए, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जाती थी, बट ऐसा है मैं अपनी पूरी पढ़ाई कर लेती थी उसके बाद वहाँ थोड़ी देर 15-20 मिनट खेलने जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था बर्फ पर एकदम बिल्कुल ठंडे ठंडे पैरों से चलना, उसकी सजावट भी मुझे बहुत पसंद थी। बट अगर मैं उस पर चलती थी तो मेरे ऐसा लगता था मैं कहीं इम्बैलेंसिंग हो रहा है, और मैं सड़क पर चलती आ रही हूँ वहां तक पहुंचने तो नॉर्मल है, बट अगर मैं बर्फ पर चल रही हूँ तो मेरे पैरों को ऐसा लगता था मेरे पैर एकदम फिसलने वाले हैं क्या, या फिर मैं गिरी थोड़ी देर बाद गिर जाऊं तो मेरे भैया मेरी हेल्प करते थे, मुझे पकड़ लेते थे। 13 नंबर क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन होता है। सही बात है, मैंने आपको अपना रियल एक्सपीरियंस लाइफ एक्सपीरियंस बताया। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या भी है। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, इसमें भी द्वारा कथन और निष्कर्ष दिया गया है। अच्छा कथन दिया गया है, निष्कर्ष कौन सा सही है वो बताना है। तो चलो देखते हैं। भरी हुई गाड़ी, मतलब भरी हुई गाड़ी मतलब पहले बुलेट कार चलती थी, आपने देखा होगा आगे कुछ बैल चल रहे हैं और पीछे टक 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 मारने वाला पीछे लोगों को बिठा के चलता है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, इसका मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं जब अपने मामा जी के यहाँ जाती थी, जो मेरी मम्मी के भाई हैं, मम्मी की मम्मी है नानी, उनके यहाँ जाती थी तो उनके यहाँ ऐसे ही जाया जाता था पहले, क्योंकि मेरे मामा जी जो है वृंदावन से हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है, इतना सारा घुमाया है हर जगह, मुझे सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। जो है वो ब्लॉक कार्ड जो रहती थी उसको अपन देखते हैं क्या दिया गया, तो वो भरी होती थी, बहुत सारे लोग बैठते थे उसमें, कम से कम 20 मेंबर्स तो मैंने देखे हुए हैं, 20 लोग बैठते थे एक कार्ट में, और वो आगे दो बैल लगे होते थे जिसे अपन काऊ या बफेलो की कैटेगरी में रखेंगे, उसी की ऑक्स बैल टाइप, और एक आदमी बैठता रहता था और टक 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 कर मारता था, चलते थे वो लोग, पैर कट 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 की आवाज आती है, आप लोगों ने देखा होगा। भरी हुई गाड़ी कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। सही बात है, तो इसका आंसर बताना है अपने को, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, बिल्कुल नहीं होता, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते नहीं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, बिल्कुल सही है, अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है। नहीं, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, बहती हुई हवा में केवल गतित ऊर्जा होती है। सही बात है, ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, मतलब एनर्जी इज नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सो 16 नंबर पे चलते हैं, सॉरी गलती हुई, सॉरी माफ कर देना। निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपन्न नॉन कॉन्टेक्ट बल के उदाहरण है, नॉन कॉन्टेक्ट बताना है, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट का टू ऑप्शन है, नॉन कॉन्टेक्ट बताओ चलो जल्दी से। तो घर्षण बल तो नहीं है, ये होना चाहिए, स्थिर विद्युत बल होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, पेशी बल भी नहीं, ये भी नहीं है, तो कौन कौन सा होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब मैं नीचे देख के अपनी स्क्रीन में लिखा करूँ तो प्लीज आप लोग स्क्रीन पर देख के मुझे सुनो, और स्क्रीन पर देखो मुझे सुनो, क्योंकि मैं आगे आगे की तरफ पढ़ाऊंगी तो मुझे अपनी स्क्रीन को ऐसे रखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा इश्यू होगा इसमें, मेरी लाइटिंग इतनी ज्यादा है स्टूडियो में मेरे कि एकदम फॉक्सिंग होती है। 16 का बी, केबल 2, 3, 4। 17 का, गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं क्या लिखा है, कौन सा सही है, पहले तो इसमें देख लो कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक है, सही वाला ऑप्शन टिक करना है, गलत मत करके आ जाना बिल्कुल। गुरुत्व बल केवल धरती का गुण है, क्या है, गुरुत्व बल केवल धरती का गुण है, ऐसा नहीं है भैया, एटमोसफेयर को लगता है, विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व, सही बात है, गुरुत्व नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, बिल्कुल सही बात है, केवल 2 और 3। चलो 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी वस्तु पर दो बल जिसमें प्रत्येक बल 20 न्यूटन एक ही समय पर लग रहे हैं, सबसे अधिक और सबसे कम नेट बल क्या होगा, तो 40 न्यूटन और 20 न्यूटन, 40 न्यूटन और 0 न्यूटन, सॉरी बच्चों गलती माफ कर देना दीदी को, 40 न्यूटन और 0 न्यूटन, 40 न्यूटन और 0 न्यूटन,
प्लीज क्वेश्चन को पढ़ लो थोड़ा बहुत। 19 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। कोई गेंद किसी फर्श एक पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, इस कथन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? गेंद पर कार्य करने वाला बल शून्य है। बिल्कुल ऑप्शन सही दे रहा है। सही कह रहा है। गेंद पर गुरुत्व बल कार्य नहीं कर रहा है। गलत बात है, करता है। गेंद पर घर्षण बल के विरुद्ध कोई असंपर्क बल कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा। घर्षण बल लुढ़कने वाली वस्तुओं पर कार्य नहीं करता। करता है भैया, करता है। क्वेश्चन ऐसे दे रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। प्लीज सिंपल सिंपल क्वेश्चन आओ, पीछे मत भागना। थोड़े सही से क्वेश्चन कर लो, थोड़े एनटीए लेवल के, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने से किसी को कुछ नहीं मिलता, आपको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, फ्री में नहीं मिलेंगे। बल की सीजीएस इकाई है डाइन। क्या है? डाइन। चलो 21 नंबर क्वेश्चन पर चलो जल्दी से। वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संपर्क बल। तो संपर्क में आ रहा है तो संपर्क बल, संपर्क में आ रहा है बच्चों। एक सेकेंड, वस्तुओं के संपर्क में आ रहा है तो संपर्क बल ही कहलाएगा, ठीक है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि वस्तु किसी पर कोई बल ना लगे तो, यदि वस्तु किसी पर कोई बल ना लगाए तो आकार विकृत हो जाएगा, नहीं होगा। तेजी से मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा। या तो विराम में होगा या गति करेगा। सही बात है, गति करना बंद कर देगा, नहीं करेगा। या तो विराम में ही रहेगा या फिर गति करेगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन। एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है। क्या लिखा है? एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों है? वो गुब्बारे वगैरह सब लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे? इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता। अरे लगता है भाई, पागल हो गए क्या? इस पर कोई घर्षण बल नहीं लगता। लगता है, ऊपर की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो ये इट्स राइट ऑप्शन, ये थोड़ी लॉजिक की बात है। ऊपर की ओर लगने वाला घर्षण बल अधिक होता है, नहीं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो मैंने सर्कल लगा दिया है इस पर। मतलब इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने की बहुत ज्यादा प्रॉबेबिलिटी है। इसको अच्छे से प्रॉपर कर लो, इसको कंठस्थ कर लो। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान क्यों है? क्योंकि तो समुद्र का पानी नदी की तुलना में अधिक घना होता है। ओके, समुद्र का पानी पता ही होगा आप लोगों को, समुद्र बड़ा होता है, नदी छोटी होती है, इसमें क्या बात है? पर बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे। कौन सा मात्रक दाब का नहीं है? तो प्लीज ये जो नहीं लिखा है ना, इस पर थोड़ा सर्कल बना लो। नहीं है। क्या है? नहीं है। तो पास्कल तो है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर भी है, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर भी है। न्यूटन मीटर नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन देखो। मुझे नीचे देख के पढ़ाना पड़ रहा है, प्लीज आप लोग ऊपर देख के पढ़िए। प्रॉपर क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ, क्योंकि मेरी स्क्रीन नीचे है तो मुझे नीचे ही टिक करना पड़ेगा। रबर सूचक शक्कर जब इसकी तरफ से दबाव बनाया जाता है चिपक जाता है। ये भी PYQ है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखो। उस पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कार्य करता नहीं। रबर चूसक में कुछ में कुछ ग्रेजुएशन होता है, नहीं। फर्स्ट भी नहीं है। वायुमंडल दाब कार्य नहीं करता, नहीं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्रहण को किसके द्वारा बढ़ाया जाता है? स्नेहन, नहीं। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, नहीं। सतह को समतल बनाना, नहीं। टायर और पर ऊपरी खुरदरी तरी लगाना। ग्रहण किस चीज से इंक्रीज होगा, ये पूछा था, हमने आंसर कर दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो। एक विद्यार्थी प्रयोगशाला में आसवन क्रिया का प्रयोग कर रहा है। आसवन पास्कल में जल उबल रहा है, ग्राही पास्कल में एकत्रित जल को ठंडा किया जाता है, तथा बर्फ के टुकड़े बनाए जाते हैं। बर्फ के टुकड़ों को बाहर रखा जाता है,
वे पिघलने लगते हैं। जल की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के आरोही क्रम में लिखिए। इनमें पानी का भार समान है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देख, सबसे फर्स्ट आएगा रेफ्रिजरेटर में बर्फ का निर्माण। सबसे पहले अपन फ्रिज में बर्फ का निर्माण करो, फिर जल को ग्राही में स्थित करो, फिर उसके बाद आएगा ऑप्शन में जल को उबालो, फिर उसके बाद आएगा भाप बना दो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर ये टफ है क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ऊपर बहुत ज्यादा दे रखी है। और पूछ रहा है कि पहले बर्फ बनानी है, फिर जल बनाना है, जल के बाद इसको गर्म करना है, गर्म के बाद इसको भाप बना दो जल्दी से। तो सिंपल क्वेश्चन है, पर बच्चे इसको छोड़ के आ जाएंगे और कुछ बच्चे इसको गलत कर देंगे। एक लड़का, क्या दे रहा है मेरे बच्चों, एक लड़का 100 न्यूटन के बल द्वारा गाड़ी को खींचता है। गाड़ी पर कार्यरत घर्षण बल 20 न्यूटन है, तो गाड़ी को प्रति प्रदान करने वाली बल का मान होगा। तो माइनस कर दो, 100 में से 20 को माइनस करें तो कितना आएगा बताओ। 80 आए, कितना आएगा बच्चों, 42 क्वेश्चन है समथिंग, या 43 क्वेश्चन है। चलो 10 मिनट और, 10 मिनट में भी कर लेंगे कंप्लीट, बने रहो। घर्षण बल सदैव गतिमान वस्तु पर कार्य करता है। इसकी दिशा होती है भैया विपरीत दिशा होती है, अपोजिट, अपोजिट दिशा होती है। कैसी होती है बच्चे मेरे, अपोजिट दिशा होती है। चलो 31 पढ़ो। दाब तुल्य होता है, दाब तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सा हवा को ट्रैप अधिक कर सकता है, तो कौन सा कर सकता है, बूल, बूल कर सकता है, बूल इज द राइट ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। वायुमंडलीय दाब का मानक मान है क्या है, वायुमंडलीय दाब मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर का मानक मान है क्या है, Hg का 760 mm, 760 mm ऑफ एच। चलो 34 नंबर क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से कंप्लीट कर लो इसको, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब प्रयुक्त बल दोगुना किया जाता है और वस्तु स्थिर होती है, तब घर्षण क्या होता है, घर्षण होता है बच्चों दोगुना, क्या होता है, दो। एक खिलौना गाड़ी को समान प्रारंभिक चाल से छोड़ा जाता है, तो गाड़ी अधिक दूरी तय करेगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। पॉलिश युक्त मार्बल सतह पर, चित्र में चित्र दर्शाया गया है, चित्र वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पर क्योंकि एनटीए पूछ रहा है, तो कुछ भी पूछ सकता है। देखें चित्र में दर्शाए गए अनुसार 0.2 मीटर की घन की भुजा सतह पर ग्राम्यवस्था में है। घन का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। घन द्वारा धरातल पर कार्यरत दबाव है इक्वल 10 न्यूटन पर केजी, 50 न्यूटन इज द ऑप्शन जाएगा, बी, बी इज द राइट ऑप्शन। सॉरी बच्चों 36 का बी नहीं है, इसका बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। दो कांच की छड़ें रेशम के रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती हैं, तो उनके मध्य बल क्या होगा, उनके मध्य क्या बल होगा बच्चों, आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्शन। चलो 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, बने रहो चैनल पे, 5 मिनट की बात और है बस। नीचे दिए गए क्षेत्रफलों की वस्तुओं पर समान बल F कार्य करता है, तो किसी स्थिति में दाब का मान अधिकतम कब होगा, तो कब होगा ये, 10 मीटर स्क्वायर पर। थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामान्य वायुमंडल दाब के मान को प्रदर्शित किया जाता है, तो 101325 पास। बच्चों अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किए वीडियो तो लाइक कर दो, अभी तक भी बच्चों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं आपके लिए,
मैं 101% चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ आपसे कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बस आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुबह शाम प्रैक्टिस करना है। आपके पास काम ही क्या है, पढ़ने का काम है बस। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सोचो 1.5 लाख रुपए एक साल में, तो एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। अपन कपड़े वपड़े ले लेना अपने लिए, मोबाइल खरीद लेना अच्छा सा, पढ़ने के लिए लैपटॉप भी ले सकते हो। अगर और अच्छे से पढ़ना है मेरे साथ, आगे फर्दर स्टडी करनी है अपनी, क्लास 9th की क्लास 10th बोर्ड्स के लिए मैं पढ़ाने वाली हूँ अपने चैनल पे। आप तो क्लास 10th की बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप लोग। तो प्लीज़ मन लगा के पढ़ो, बस 1 महीने की बात है। 1 महीने मैं भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ इस PDF को बनाने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चन टाइप करने के लिए। लोग वाक पीछे लगे हुए हैं मेरे, तो मेरी टीम है पूरी वर्क करती है। क्वेश्चंस तो मुझे ही बनाने पड़ते हैं, बट वो लोग टाइपिंग करते हैं, वो लोग PDF बनाते हैं, वो लोग स्टूडियो सेटअप करते हैं मेरा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देखिए 2 घंटे से मैं आपको बोल बोल के पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। तो विद्या है बांटने से ही बढ़ती है, आप इसको छुपा के रखोगे कुछ नहीं होगा। चलो देखें 40 नंबर क्वेश्चन देखें। पृथ्वी पर चलते समय हम किस पर बल लगाते हैं? तो किस पर लगाते हैं, पृथ्वी पर ही लगाते हैं। पृथ्वी पर चल रहे हैं तो पृथ्वी पर ही लगाएंगे फोर्स। गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में, गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बनाने में किस बल का प्रयोग किया जाता है? तो किस बल का प्रयोग किया जाता है, पेशीय बल। पेशीय बल, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आटा तो सबने देखा है, आटा तो सबने मारा है, पर कोई आंसर नहीं बता पाएगा। लोहे के शटर पर मोबिल तेल घर्षण को टेडस के लिए लगाया जाता है। देखो अभी फिलअप वाले क्वेश्चन भी ले लिए मैंने, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे बिल्कुल भी चैनल से। बी क्या है, घटाने के लिए लगाया जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, और अभी तक भी किसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो पहले अपने मोबाइल में, टेलीग्राम का ऐप। उसके बाद आप सर्च ऑप्शन में डालना ऐसे वाला जो सर्च बना रहता है यहाँ पर, ऐसे करके ऐसे बना रहता है, उसमें डाल देना R IM 0501। तो इस चीज को आप डाल देंगे तो आपके पास मेरा एक फोटो आ जाएगा, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है, ब्लू कलर की ड्रेस में बच्चों, वो आ जाएगा। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखो। सिलबट्टे की सतह को लंबे उपयोग के पश्चात फिर से निचारित गोदना घर्षण को किसके लिए हेतु किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है, बढ़ाने के लिए। किसके लिए मेरे बच्चों, बढ़ाने के लिए। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया किसी ने तो। वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बता के जाएंगे, तभी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब जब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर लोगे तब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आने वाली आप लोगों की। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मेरे को, वीडियो के कमेंट बॉक्स में डन लिख के और एक जो है थम्स अप बना देना है, थम्स अप बना देना है ऐसे वाला। ओके ऐसे वाला थम्स अप बना देना है आप लोगों को, जिससे मुझे पता चल पाए कि बच्चे मेरी वीडियो देख भी रहे हैं या फिर नहीं, कि ऐसी मेरी पूरी जो मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रही हूँ सुबह से लगी रहती हूँ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, कि मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊं, जिससे बच्चों का सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए और उनकी हेल्प हो सके, उनकी फैमिली वालों की हेल्प हो सके। तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ डन करके कि हाँ यस मैम माय वीडियो इज़ डन और मेरे को समझ में आ गया है पूरा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं, कोई शर्माने की बात नहीं कि मैम हमको इस क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसको अगेन बता दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपका डाउट रह जाएगा, अगर वही क्वेश्चन पेपर में आ गया, सोचिए आपने मेरे से नहीं पूछा, अभी देख लीजिए आप 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन अगर आपने नहीं पूछा मेरे से, और अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो
मैं तो बोलूंगी कि मेरे चैनल से आ गया है, आप लोग क्या बोलोगे? हमारा तो डाउट रह गया मैडम आपसे, तो प्लीज आप जो भी डाउट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल में मुझे सेंड करें डायरेक्ट, जिससे मैं आपको प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू दे पाऊँ या फिर कुछ लिख के पहुँचा पाऊँ आपके लिए। प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास दिख रही होगी यहाँ उसको क्लिक करके कंप्लीट देखो। जो भी वीडियो है आपके लिए वो आपको देखना है सारे, और साइंस के लिए जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है पढ़ने में, अगर कोई डाउट है, वीडियोस नहीं मिल रही हैं, सिलेबस नहीं पता चल पा रहा है, कम्युनिटी टैब में सब कुछ डला हुआ है, तो कम्युनिटी टैब में जाके आंसर्स करो जल्दी से जल्दी, और टेलीग्राम ज्वाइन सब बच्चे कर लो जल्दी, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तभी तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस डाल पाऊंगी आप लोगों के लिए, आप भी समझो। और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जल्दी से, और 250 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से, क्योंकि मैंने सर को इन्वाइट किया है अपने चैनल पर, स्टूडियो में आके पढ़ाएंगे सर। दो क्लास मैं लूँगी मॉर्निंग में, और दो क्लास सर लेंगे इवनिंग में, एक मैथ्स की लेंगे और एक SST की लेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 250 सब्सक्राइबर करा दो जल्दी से, क्योंकि SST और मैथ्स के बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आप लोगों का। साइंस और जी के आप कितना भी पढ़ लेना, जब तक आपने सोशल साइंस और मैथ्स में महारत हासिल नहीं की है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल छोड़ देना ठीक है। 250 सब्सक्राइबर के बाद जूम मीटिंग के लिए कौन कौन एक्साइटेड है जल्दी से कमेंट सेक्शन में, यस आई एम एक्साइटेड फॉर जूम मीटिंग एंड आई सब्सक्राइब योर चैनल और आई शेयर योर चैनल, तो प्लीज बता दो जल्दी से कमेंट में, प्यार बरसा दो अपना बहुत सारा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे में रहिए और हेल्दी रहिए। ओके बच्चों, बाय।